भट्टू कला में गौरव सैनिक संगठन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर तरफ से कारगिल विजय दिवस मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में गौरव सैनिक संगठन के साथ शहीद नरेंद्र जाखड़ की माता रेशमा देवी, शहीद खेतपाल की पत्नी वीरबाला और शहीद भीम सिंह की पत्नी भी मौजूद रही। वहीं ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीण लूणा, वाइस चेयरमैन बंशीलाल विगासरा, बालाजी पब्लिक स्कूल, सतलुज पब्लिक स्कूल सहित विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के उपरांत जजपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र श्वाच ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीद जाखड़ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज देश अपना 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की फौज को धूल चटा दी थी और उसके कब्जे से कारगिल को तमाम चोटियों को मुक्त कराकर तिरंगा फहराया था। इस जीत को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जवान शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई सूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें फतेहाबाद जिले के कई वीर सैनिक भी शामिल थे। डॉक्टर श्वाच ने कहा कि भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि किसी समय में 0 डिग्री से कम तापमान में भी भारतीय सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं होने दी। आज कारगिल में भारत का ध्वज इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में तिरंगा लहराया दिया। डॉक्टर वीरेंद्र श्वाच ने कहा, भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हमें सभी को गर्व है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र श्वाच, आत्माराम, बलवान नेहरा, नरसिंह सोनी, भगवान दास सोनी, अशोक राजपूत, मुकुल सोनी, रमेश मेवाला, भूप शर्मा, रामेश्वर शर्मा, सुखदेव, संजीव, अभिषेक नायक, विशाल सप्टा, शमशेर, महावीर शाह गदड़ी सहित अनेक लोग मौजूद